हेलो गाइस, नॉलेज प्रोवाइडेड चैनल से मैं अनुराग झा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग 12th के हिस्ट्री के दूसरे भाग से का जो दूसरा चैप्टर है, भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, आपका जो है कुल हिस्ट्री का छठा चैप्टर और दूसरे भाग का दूसरा चैप्टर है ये, ठीक है। और दोस्तों, इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में तो डिटेल में चर्चा करेंगे ही, और अब तैयार रहिए क्योंकि अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल में आंसर्स लिख कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम तो अब बिल्कुल है ही नहीं, तो बिल्कुल भी मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगा। चलिए देखिए, भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक कौन थे? तो अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट देखिए, नल चिरादित्य प्रबंधम को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो जाना जाता है तमिल वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कराईकल अमियाल कौन थे? तो कराईकल अमियाल कौन थे? तो यहाँ पे नायर संत थे, ठीक है, नैनार संत थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछ देता है कौन से चिश्ती संत हैं, कौन से नैनार संत हैं, कौन से ये संत हैं, सूफीवादी परंपरा के संत कौन हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव राजाओं ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो ये जो है वैष्णव धर्म को जो है राजधर्म घोषित किया था, ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजेंद्र चोल ने कराया था, चोल राजाओं ने, ठीक है। कभी कभी नाम नहीं देखे चोल राजा, सुंग राजा, ठीक है, इस तरह का दे देगा तो चोल राजा मारिएगा, ठीक है, चोल वंश। नेक्स्ट देखिए, लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे वो बासवन्ना थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रामानुज के शिष्यों की संख्या थी? तो रामानुज के शिष्यों की संख्या 12 थी, ठीक है, ये याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद किसका दार्शनिक मत है? तो शुद्ध अद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का मत है, ठीक है, दार्शनिक मत है। नेक्स्ट देखिए, माध्वाचार्य का संबंध है? तो माध्वाचार्य का संबंध किस चीज़ से है? तो द्वैतवाद से है, ठीक है, द्वैतवाद सिद्धांत से डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु रामदास थे, ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। दादू का कार्यक्षेत्र था? तो दादू का कार्यक्षेत्र क्या था? क, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग 12th की तैयारी कर, कम से कम ये क्वेश्चंस तो आपको जानने ही चाहिए, ठीक है, तो देखते रहिए। नेक्स्ट है आपका, भारत के सिंध में इस्लाम का आगमन किस वर्ष हुआ? तो भारत के सिंध में जो इस्लाम का आगमन आपको पता होगा कि जो है 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूफी शब्द का निर्माण किस भाषा के शब्द से हुआ? तो सूफी शब्द का निर्माण जो है आपको अरबी भाषा के शब्द से, अरबी का भाषा है ये, सूफी शब्द जो है अरबी, अरब का भाषा है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, क्योंकि यही अपने लिए मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, सूफी सिलसिलों में इस्लाम के विधान को मानने वाले कहलाते हैं? तो इस्लाम सूफी सिलसिलों में इस्लाम के विधान को मानने वाले क्या कहलाते हैं? तो बासरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बासरा, याद रखें, सूफी ये आपके लिए VVI, इसलिए मैं रिपीट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो सुल्तान उल हिंद जो है आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है, मुइनुद्दीन को कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत संत को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है महबूब इलाही के नाम से? तो महबूब इलाही के नाम से निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत अच्छा गाते भी थे। नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन को पहचानो, सत्य कथन, इसमें से आप देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन, आप इसमें से कौन सा सही है? तो सही देखिए, जलाउद्दीन बुखारी मखदूमे जहानिया के नाम से लोकप्रिय हुए थे, ठीक है, जलाउद्दीन बुखारी किस चीज़ से प्रसिद्ध हुए थे? तो मखदूमे जहानिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। औरंगजेब किस सिलसिले के अनुयायी थे? था तो औरंगजेब जो है नक्सलवादी सिलसिले का अनुयायी था। और दोस्तों, अगर एक बार में याद ना हो रहा ना तो एक बार और वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सूफी की दरगाह दिल्ली में है? तो यहाँ जो है इन सभी के लिए है, हो जाएगा, कुतुबुद्दीन काकी का भी है, ठीक है,
इसीलिए तो उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, और निजामुद्दीन औलिया हो गए, उसके बाद नसीरुद्दीन चिरागे ए देहवी हो गए, ठीक है। तो ये सभी हैं। तो तलवंडी किसका जन्मस्थान है? तो तलवंडी जो है आपका गुरु नानक का जन्मस्थान है, ये तो याद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महिला रहस्यवादी संत थी, तो महिला रहस्यवादी संत रबिया रबिया थी, ठीक है। महिला रहस्यवादी सिद्धांत कौन थी? संत जो थी रबिया थी। बंगाल के प्रसिद्ध सैन्य कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध सैन्य चैतन्य महाप्रभु थे। बीजक का संबंध है, तो बीजक का संबंध किन से हो है? तो बीजक का जो संबंध है वो आपका कबीर से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सूफी बलबन का दामाद था? तो सूफी बलबन का जो दामाद था वो था फरीदुद्दीन गज ए सकर, ठीक है, फरीदुद्दीन गज ए सकर। नेक्स्ट देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो है रामानंद को दिया जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन ये याद रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये तो आपके लिए VVIP, इसको 4 स्टार लगा लो यार, ठीक है। ये 4 स्टार लाइक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है दोस्तों, अगर एक बार में याद नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, अगर याद है तो ये बताइए, आप लोग कमेंट में जाइएगा, ये बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चंस याद थे, ठीक है। तो चलिए, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली काशी, ठीक है, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली काशी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।